हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मटर मशरूम। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे लहसुन, प्याज, दो तीन टमाटर, अगर खट्टे हैं तो आप दो ही लें, और जिंजर, और सबको मोटा मोटा सा हमने काट लिया है। फिर हम लेंगे मटर और मशरूम, दोनों ही हमने 250 ग्राम लिया है। फिर मशरूम को हम थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे, इस तरह से 4 पीसेस कर लें इसके। आप इस तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो जैसा चाहे आप वैसे कटिंग कीजिए। तो हम सबको अच्छे से काट लेंगे अभी। बहुत ही जल्दी से गल जाएगा ये, इसलिए थोड़ा बारीक रखा है हमने। तो अब इसको हम एक बाउल में रखेंगे और इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से गर्म पानी में 5 मिनट पे छोड़ देंगे। फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से रगड़ के धो लेंगे, तो ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब एक कढ़ाई लें, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालें, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। तो हमने प्याज को डाल दिया और इसको हल्का सा भूनेंगे। तो प्याज को बस सॉफ्ट करेंगे, गैस को हम कम ही रखेंगे और हल्का हल्का से इसको चला करके फिर इसको ढक देंगे हम। गैस को कम रखेंगे तो देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हमने प्याज को अपने सॉफ्ट कर लिया। उसके बाद हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जिंजर, जो भी बचा हुआ था अदरक का टुकड़ा, सब कुछ हमने डाल लिया है। अब इन सबको 5 मिनट के लिए और हम ढक करके और सॉफ्ट कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये जल्दी गल जाए, बस ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद देखें थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेते हैं इसको हम। इस तरह से भूनेंगे तो पेस्ट बहुत ही स्मूथ और इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये हमने पेस्ट बना लिया है। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, दो तीन तेज पत्ता, उसके बाद हमने जो ये मसाले का पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर का, इसको ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे। तो थोड़ा मसाला पक गया है तो ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए कितना स्मूद और सिल्की सा ग्रेवी बन के तैयार होगा हमारा। तो इसको कुछ देर के लिए हम ढक देंगे। तो हल्का सा मसाला भुन गया है, अभी हम इसमें मटर ऐड करेंगे, फ्रेश मटर है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच हम दही डालेंगे, अगर आप दही नहीं खाते तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से सब कुछ हमारा मसाला भुन चुका है, मटर भी पक चुकी है। तो इसमें अभी हमने गर्म पानी में जो मशरूम डाल के रखे थे उसको डालेंगे, और बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करके और हम इसे पकने देंगे। तो ये मशरूम मटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसे धनिया से गार्निश करें। तो ये मटर मशरूम की सब्जी बनके तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।